अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, कक्षा 5 के लिए हिस्से 2 का रिवीजन हम बता रहे हैं आपको। देखिए, कक्षा 5 के लिए बच्चों 1 से 9 पार्ट आपको परीक्षा में दिए गए हैं, 1 से 9 पार्ट, और सब जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही है। 1 to 40 क्वेश्चंस आएंगे आपको प्रश्न पेपर में, और जो है सो आप 1 to 9 लेसन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेसन्स आपको पढ़ना है। 1 से 9 पार्ट आपको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए SA2 के रिवीजन के लिए, एनुअल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कब से आने वाली है परीक्षाएं? कब है आपकी? 27 तारीख को आपकी हिंदी की परीक्षा है बच्चों, उस दिन अच्छे से लिखिए। 1 से 9 पार्ट जो है अच्छी तरह से पढ़ लिए, उसके अंदर हम आपको अंक पूछेंगे, और सप्ताह के कितने दिन होते हैं ये भी मैं लिखाई थी आपको, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, है ना, वो भी पढ़िए और अंक देखिए अच्छे से 1 से 50 तक के। चलिए नवा पार्ट हम देखते हैं, कविता अच्छे से पढ़ लो बच्चों। बादल 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 बरसों पानी, आज नहाएंगे मनमानी, बीच बीच में से भी आपको इसमें से पूछा जाएगा बच्चों, कविता में से। और इससे संबंधित शब्दार्थ पूरे पढ़िए, हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में। ठीक है, सही विकल्प चुनना, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये पढ़ना है। और कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, यानी मिसिंग लाइन्स ऑफ पोएम। ठीक है, ये भी आपको बीच बीच में से पूछा जाएगा। और कभी प्रश्नोत्तर नहीं आते बोलकर नहीं है बच्चों, प्रश्नोत्तर इम्पोर्टेंट्स आपको पूछा जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, ठंडा ठंडा मन हो मेरा का भाव क्या है, यानी क्या है इसका भाव? अनुभव भाव है, मन में शीतलता का अनुभव करना, मन में क्रोध का अनुभव करना, या फिर मन में द्वेष का अनुभव करना। तो आपको क्या लिखना है? मन में शीतलता का अनुभव करना। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है, आंसर इस तरह से पूछे जाएंगे। और पीछे देखिए, आप स्वयं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएं। तो स्वयं किए जाने वाले कार्य कौन से हैं, यानी खुद करने वाले, स्वयं का अर्थ है खुद करने वाले काम कौन से हैं, ऑप्शंस में दिया जाएगा। तो आप जो भी सही है वो करना है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका। और नीचे देखिए, सही अर्थ से मिलान करना, यानी यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हिंदी से अंग्रेजी में दिया गया है, जैसे मनमानी बोल दो, सेल्फ मनमानी यानी सेल्फ वेल, रिम झिम यानी ड्रिजलिंग, मन यानी हार्ट, हैरान यानी सरप्राइज, इस तरह से अच्छे से पढ़ लो। ये है नवा पार्ट। चलिए हम आठवां पार्ट देखते हैं अब। ये है आठवां पार्ट, क्या नाम है? कुछ पन्ने डायरी के। इसमें देखिए, पूरे शब्दार्थ जो है इम्पोर्टेंट है बच्चों, अच्छे से देख लो। और विकल्प, सही विकल्प चुनना, और ये प्रश्नोत्तर देखिए इसमें इम्पोर्टेंट। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, क्या है, अमन का जन्मदिन कब था, या फिर अनम के दादाजी ने क्या उपहार दिया, इस तरह से आप पढ़ना होगा। और यहाँ पर देखिए, विराम चिन्ह यानी कि कौन सा सिंबल कौन सा है, जैसे कि अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, है ना, ये आपको पढ़ने हैं। जैसे पूर्ण विराम बोलते हो एक लखीर डालते सोए, अल्प विराम यानी कामा, प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन मार्क, विस्मय सूचक यानी एक्सक्लेमेटरी फॉर्म, ये सिंबल्स आपको याद करने हैं बच्चों। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। और इससे संबंधित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए, अर्थ मिलाना यानी मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, अंग्रेजी का हिंदी में क्या है वाक्य, या फिर हिंदी का अंग्रेजी में वाक्य क्या है, इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, ये है आपका आठवां पार्ट, अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों। 2 पार्ट बताई हूँ मैं आपको, आठवां और नवां पार्ट। और इससे अतिरिक्त मैंने कहा कि आपको सप्ताह में कितने दिन होते हैं,
और हिंदी के अंक पढ़िए। सप्ताह के कितने दिन होते हैं बच्चों? सब सप्ताह के 7 दिन होते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हो गया ना सर? संडे से पढ़ेंगे। संडे यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यह है 7 दिन सप्ताह के, ये याद करिए और हिंदी के अंक भी अच्छे से लिखिए। तो आज 2 पार्ट देख लीजिए, कल अगली कक्षा में हम आगे के पार्ट बता देंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों अपने घर में। धन्यवाद।